सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे चारकोल पेंसिल के ऊपर। कैमलिन की चारकोल पेंसिल, ये आप लोगों के बजट में है, मात्र 55 रुपए की ये पेंसिल है और आप लोग चाहें तो इसको यूज कर सकते हैं। अभी फिलहाल हम इसी को यूज कर रहे हैं, तो आज इसी के ऊपर बात होगी और कैसे इसकी शेडिंग होती है, कैसे मिक्सिंग होती है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पैकेट के अंदर कुछ तीन पेंसिलें आती हैं। पहली होती है मीडियम, हार्ड एंड सॉफ्ट। ये वाली सॉफ्ट है, ये आपकी मीडियम है एंड ये हार्ड है। तो चलिए बताते हैं कि ये यूज कैसे होता है। और ये जो हार्ड है ये काफ़ी इनसे लाइट चलती है, और जो मीडियम है वो मीडियम शेडिंग देती है। तो ये तीन टोन में शेडिंग होती है ये तीन पेंसिलों से। अब इसको अगर आप लोग को मिक्स करना है तो उसके लिए हम लोग ब्रश, पेपर स्टम्प एंड कॉटन या टिश्यू पेपर, इन चारों चीज़ से हम लोग मिक्सिंग कर सकते हैं। देखिए ये काफ़ी स्मूथ सरफेस देता है अगर हम लोग कॉटन से करेंगे या पेपर स्टम्प से करेंगे या हम लोग ब्रश से करेंगे। अगर यहाँ पे आप लोग को नहीं समझ में आया तो हम लोग यहाँ पे भी करके बताते हैं। ये मीडियम है, ये हार्ड पेंसिल है, एंड ये सॉफ्ट पेंसिल है। तो अब इसकी मिक्सिंग करते हैं। सबसे पहले हम लोग कॉटन से मिक्सिंग करेंगे, उसके बाद फिर पेपर स्टम्प से मिक्सिंग करेंगे, और आखिरी में हम लोग ब्रश का यूज करेंगे मिक्सिंग के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं कि मिक्सिंग काफी अच्छी हुई है। अब कुछ बना के आप लोग को दिखाया जाए। और हाँ, सबसे पहले आप लोग को ये भी दिखा दिया जाए कि हम लोग इससे पहले हेयर पे काफी जगह पे हम लोग इसका यूज कर चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं कि हेयर पे हम लोग ने चारकोल पेंसिल का यूज किया है एंड बाद में मोनो इरेजर से इसमें हाईलाइट दी है। मिक्सिंग काफी अच्छी हुई है, पन्नी से निकाल नहीं सकते हैं क्योंकि हम लोग पहले जो है फिक्सेटिव का यूज़ नहीं किए थे, स्प्रे नहीं किए थे इस पर। अरे, फिक्सेटिव से याद आया, अगर आप लोग उसकी वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है एंड वीडियो के एंड में वो वीडियो मिल जाएगी, जाके देखिए कि वो यूज़ कैसे होता है। तो ये रही शेडिंग। इससे पहले हम लोग जो है बाल पे इसी से ही शेडिंग करते थे, बाल हो गई, दाढ़ी हो गई, ये सब पे हम लोग इसी से ही शेडिंग करते थे। तो चलिए आप लोग को कुछ बना के दिखाया जाए। तो सबसे पहले हम लोग बेस शेडिंग करेंगे हार्ड पेंसिल से। ताकि आप लोग को समझ में भी आए कि इसकी शेडिंग होती कैसे है, तो इसको यूज किया कैसे जाता है। तो एक टोन होने के बाद अब हम लोग इसको मिक्स करेंगे एंड इसके बाद हम लोग मीडियम पेंसिल का यूज करेंगे सेकेंड टोन के लिए। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि डायरेक्ट उस पर शेडिंग किया जाए तो वो भी कर सकते हैं सॉफ्ट पेंसिल से। टोन को ऑब्जर्व करना होगा, कहाँ पे कैसी टोन पड़ी है, उस हिसाब से आप लोगों को शेडिंग करनी होगी। तो ये कुछ इस तरीके से शेडिंग हुई है। अब एंड में हम लोग सॉफ्ट पेंसिल का यूज़ करेंगे। आप लोग देख सकते हैं मिक्सिंग काफ़ी स्मूथ हुई है, अच्छी मिक्सिंग हुई है। और रही बात इसकी हाईलाइट करने की, तो उसके लिए आप लोग मोनो इरेजर या इलेक्ट्रिक इरेजर या चारकोल इरेजर जो आता है उसका भी यूज़ आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए अब इसमें हाईलाइट किया जाए, जहाँ जहाँ हाईलाइट करनी है। ये देखिए काफ़ी आराम से इसमें हाईलाइट हो जाती है। और अगर हम लोग इलेक्ट्रिक इरेजर का यूज़ करेंगे तो उससे भी देखिए हाईलाइट काफ़ी अच्छे से हो जा रही है।
तो ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के पर्पज से था। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि चारकोल पेंसिल का यूज़ कैसे होता है, उसकी मिक्सिंग कैसे होती है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो फटाफट नीचे जो रेड बटन है उसको दबा दीजिएगा एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो एक बात और आप लोगों से कहनी थी, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।